क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं केस टू स्टडी। और आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी, और इसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल करियर का चैप्टर शुरू होता है, फ्री फॉर कॉस्ट कोर्स शुरू होता है। और पहला टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोर्स क्यों है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, किस लिए मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर बनते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, तो आपके बिजनेस को जल्दी से ग्रो करेगा। अगर आप बाहर कंपनी में अपने कंपनी को ले जाना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है। ये इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि आप एक PhD भी कर सकते हो, पर इस कोर्स के अंदर मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होती है, जिससे आप अपने बिजनेस को बाहर में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, या कि न्यूज़ से रिलेटेड आप उसको बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने न्यूज़ देख ली, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो आप कैसे समझोगे कि क्या बोल रहा है वो। ये नेचुरल चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज वो आपको पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं इकोनॉमिक। आपने इकोनॉमी से बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा US की है, इंडिया तीसरे नंबर पर आती है, GDP बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है ये GDP। आपने इकोनॉमी के वर्ड बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, कितने कम तेल में ज़्यादा गाड़ी चल रही है, इकोनॉमिक क्लास की, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पर एक्चुअली में जहाँ पे जिगर आ जाए पैसों का, रिसोर्सेज का, वहाँ पे आती है असली इकोनॉमी। कम पैसों में ज़्यादा रिसोर्सेज, देश और पैसा, असली इकोनॉमी वहाँ पे होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है एक्चुअली में। किसी भी स्टेट की, रीजन की करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन, कि जितना वो प्रोड्यूस कर रही है, जितनी खपत है, जितना पैसों का आदान प्रदान हो रहा है स्टेट में और कंट्री में, जितना तालमेल हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उस पर ही स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वल लोगों तक पहुंच रहे हैं विदाउट वेस्टेज, कम समय में, और उनका इफेक्टिव यूज़ हो रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। एक तरह से आप इजी भाषा में समझो आदान प्रदान। हर स्टेट का, हर कंट्री का, हर कंपनी का अलग अलग मॉडल होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का, कैसे वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है। 5 प्रोडक्शन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लेबर, सेकेंड कैपिटल, थर्ड एंटरप्रेन्योर, फोर्थ फिजिकल रिसोर्सेज, एंड फिफ्थ रॉ मटेरियल। लेबर तो आपको पता ही लग गया क्या होते हैं, कैपिटल मींस मनी, एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कंट्रोल कैसे किया जाए, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाए कंप्यूटर के अंदर, कैसे भी वो होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इस पूरे कोर्स में फोकस तो हमारा वहीं पर रहेगा, इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी में। पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, टर्म्स, मोटिव, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहली होती है कैपिटलिज्म। इसमें होता क्या है, जो भी बड़े लोग होते हैं वो पैसा लगाते हैं, वो मर्जी से करते हैं, हम ये काम करेंगे तो इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। बड़े लोग पैसा लगाते हैं, जैसे कि US में, वहाँ पे अलग अलग शॉप में अलग अलग रेट मिलते हैं, और पेट्रोल भी। अगर सामने वाला पेट्रोल पंप का अलग रेट है, तो उसके सामने वाले पेट्रोल पंप का अलग रेट होगा। दो शॉप बराबर में है ना, तो उनका भी अलग अलग रेट होगा। नेक्स्ट है सोशलिज्म, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंदर होती है, जो गवर्नमेंट काम कराती है। इसमें कोई प्राइवेट बंदा, कोई भी प्राइवेट बिजनेस काम नहीं कर सकता, ना सोशल हो सकती है। एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे छोटा सा बिजनेस करना अपराध है। नेक्स्ट इकोनॉमी है कम्युनिज्म इकोनॉमी। एक सोसाइटी होता है, ग्रुप होता है, उनके पास सारी दौलत होती है, रिसोर्सेज होती है, वो डिजर्व करती है लोगों को, जो जितना काम करता है उसको मिल जाता है। एग्जाम्पल है चाइना, पर ये भी प्योरली नहीं है। चाइना ग्रोथ के लिए इसने चेंज कर दी थी इकोनॉमी 2004 में, कम्युनिटीज़ में चेंज कर दी थी। अब अलीबाबा को कौन नहीं जानता। इसमें ऐसा होता है कि एक फैक्ट्री में जितने लोग ज़्यादा वर्क करेंगे उसके हिसाब से पैसा मिलेंगे, अगर इसने ज़्यादा वर्क किया तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसे होता है। अब सबसे लास्ट आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में है। इसमें गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, प्राइवेट भी काम कर सकती है, सोशल
ग्रुप बना के भी काम कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, पर गवर्नमेंट प्राइवेट को भी बिजनेस करने देती है रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, फ्री में नहीं देती। एग्जांपल इंडिया, MRP सिस्टम होता है कहीं पे। अब थोड़े जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर आपको पता ही होगा, वैसे मैं किसी को ना पता हो इसलिए मैं बता देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर जैसे फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मटेरियल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें हो गई। सेकेंडरी है सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री होती है, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं। टर्शरी सेक्टर जिसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जैसे कि कोई भी आपने न्यूज़ देखी कि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। इन टर्म्स टॉपिक मोटिव को समझ के कैसे एनालाइज करोगे कि ये क्या चीज़ है? जब आपको पता ही नहीं होगा इकोनॉमी क्या है, तो इस हेडलाइन का मतलब कैसे समझोगे? एक तरह से इकोनॉमी सारी कंजप्शन, गुड्स एंड प्रोड्यूस पे बेस्ड होती है। कितना आदान प्रदान हो रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।